यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 20। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 20। जब यिर्मयाह यह भविष्यवाणी कर रहा था, तब इम्मेर का पुत्र पशहूर, जो याजक और यहोवा के भवन का प्रधान रखवाला था, वह सुन रहा था। सो पशहूर ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता को मारा और उसे काठ में डाल दिया, जो यहोवा के भवन के ऊपरवार बिन्यामिन के फाटक के पास है। फिर सुबह को पशहूर ने यिर्मयाह को काठ में से निकलवाया। तब यिर्मयाह ने उससे कहा, यहोवा ने तेरा नाम पशहूर नहीं मागोर मिस्साबिब यानी कि चारों ओर भय ही भय रखा है, क्योंकि यहोवा ने यो कहा है कि देख, मैं तुझे तेरे ही लिए और तेरे सब मित्रों के लिए भी भय का कारण ठहराऊंगा, और वे अपने शत्रुओं की तलवार से तेरे देखते ही वध किए जाएंगे, और मैं सब यहूदियों को बाबुल के राजा के वश में कर दूंगा, और वह उनको बंधुए करके बाबुल में ले जाएगा और तलवार से मार डालेगा। फिर मैं इस नगर के सारे धन को और इसमें की कमाई और इसमें की सब अनमोल वस्तुएं और यहूदा के राजाओं का जितना रखा हुआ धन है, उन सबको उनके शत्रुओं के वश में कर दूंगा, और वे उसको लूटकर अपना कर लेंगे और बाबुल में ले जाएंगे। और हे पशहूर, तू उन सब समेत जो तेरे घर में रहते हैं बंधुआई में चला जाएगा, और तू अपने उन मित्रों समेत जिनसे तूने झूठी भविष्यवाणी की, तू बाबुल में जाएगा और वही मरेगा, और वही तुझे और उन्हें मिट्टी दी जाएगी। हे यहोवा, तूने मुझे धोखा दिया और मैंने धोखा खाया। तू मुझसे बलवंत है, इस कारण तू मुझ पर प्रबल हो गया। दिन भर मेरी हंसी होती रही है और सब कोई मुझसे ठट्टा करते हैं, क्योंकि जब मैं बातें करता हूं तब जोर से पुकार पुकार कर ललकारता हूं कि उपद्रव और उत्पात हुआ है। हां, उत्पात, क्योंकि यहोवा का वचन दिन भर मेरे लिए निंदा और ठट्टा का कारण होता है। और यदि मैं कहूं कि मैं उसकी चर्चा न करूंगा, न उसके नाम से बोलूंगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी कि मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग है, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया और मुझसे सहा नहीं जाता। मैंने बहुतों के मुख से अपना अपवाद सुना है, चारों ओर भय ही भय है। मेरे सब जान पहचान जो मेरे ठोकर खाने की बाट जो होते हैं, वे कहते हैं कि कदाचित वह धोखा खाए, तो हम उस पर प्रबल होकर उससे पलटा लेंगे। उसके दोष बताओ, तब हम उसकी चर्चा फैला देंगे। परंतु यहोवा भयंकर वीर के समान है, वह मेरे संग है, इस कारण मेरे सताने वाले प्रबल न होंगे, वे ठोकर खाकर गिरेंगे। वे बुद्धि से काम नहीं करते, इसलिए उन्हें बहुत लज्जित होना पड़ेगा। उनका अपमान सदैव बना रहेगा और कभी भूला न जाएगा। और हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मियों के परखने वाले और मन के ज्ञाता, जो पलटा तू उनसे लेगा उसे मैं देखूंगा, क्योंकि मैंने अपना मुकदमा तेरे ऊपर छोड़ दिया है। यहोवा के लिए गाओ, यहोवा की स्तुति करो, क्योंकि वह दरिद्री जन के प्राण को कुकर्मियों के हाथ से बचाता है। श्रापित हो वह दिन जिसमें मैं उत्पन्न हुआ, जिस दिन मेरी माता ने मुझको जन्म दिया। वह धन्य न हो, श्रापित हो वह जन जिसने मेरे पिता को यह समाचार देकर कि तेरा लड़का उत्पन्न हुआ उसको बहुत आनंदित किया। उस जन की दशा उस नगर की सी हो जिन्हें यहोवा ने बिन पछताए ढा दिया, और उसे सवेरे तो चिल्लाहट और दोपहर को युद्ध की ललकार सुनाई पड़ा करे, क्योंकि उसने मुझे गर्भ ही में न मार डाला कि मेरी माता का गर्भ मेरी कब्र होती और मैं उसी में सदा पड़ा रहता। मैं क्यों उत्पात और शोक भोगने के लिए और अपने जीवन को नामधराई में व्यतीत करने के लिए जन्मा?